सोशल मीडिया ते एक वीडियो खूब वायरल हो रही सी, जिस विच एक छोटा सरदार जुराबा वेच रहा है। वायरल वीडियो दे विच बच्चे की मासूमियत ते उसकी मजबूरी चेहरे तो साफ झलक रही सी। वीडियो वायरल होने तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस विच खुद दिलचस्पी दिखाई ते बच्चे नू लभ्या ते पता लगा कि वह लुधियाना दा रहन वाला है। इस तो बाद अधिकारियों नू कह के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसनू फोन किया ते उस नाल गलबात करके उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा चुकन का भरोसा भी दिता ते जिंदगी दे विच अगे वधन दी भी गल कही। 10 साल वंश लुधियाना का रहन वाला है ते सर्दियों दे विच उसने जुराबा वेचण दा काम शुरू किया सी। वंश दे घर दी आर्थिक हालत कुछ सही नहीं है, जिस करके उसनू मजबूरी बस एक काम करना पिया। हुण कैप्टन नाल गलबात होण तों बाद इस वायरल वीडियो वाले सरदार नू मुख्यमंत्री ने पढ़ाई का सारा खर्चा चुकन का भरोसा दिता है। दूजे पासे वंश दे पिता ने दस्या कि घर का गुजारा बड़ी मुश्किल नाल चल रहा सी ते एक दिन वंश घरों खुद ही समान वेचण दे लई निकल गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन ने उन्होंने भरोसा दिता है कि उन्होंने मदद करनगे ते पढ़ाई का सारा खर्चा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुकन का जिम्मा लिया। परिवारक मैंबर इस ते मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं ते उस तो बाद उन्हां दियां मुश्किलां घटदियां नज़र आ रही ने। मेहनत ते लगन की कोई ठोस उम्र नहीं हुंदी, ये साबित कर दिता है वंश ने, जिसनों जब अपने परिवार की मजबूरी का एहसास होया तो बिना कुछ सोचे छोटी उम्र ही मेहनत कर निकल गया। तो इतें कहना गलत नहीं होगा कि वंश की लगन ने उसके सुनहरे भविख के रस्ते खोल दिते हैं, पर अगर इस तस्वीर के दूसरे पासे देखिए तो कुछ होर ही दिखाई देता है। साढ़े समाज की यह वड्डी त्रासदी बन गई है कि जिन्हों बच्चों की उम्र खेडन कूदन से पढ़न की होंगी है, ये परिवार दिया जिम्मेवारियों का बोझ चक रहे हैं तो की होगा इन्ह बच्चों का भविख। गरीबी रेखा तो हेठा रह रहे लोगों का मंदी ने लक तोड़ के रख दिता है। अज गरीब अपने परिवार का पेट पालन तो भी मजबूर नज़र आ रहा है ते अजिहे समय दे विच सरकार दे वलों कुछ सहूलतां इन्हां परिवारां नूं देनियां चाहीदियां हन तां जो बच्चों नूं मजदूरी ना करनी पवे। कैप्टन द्वारा दित्ती मदद बेशक बहुत ही शलाघाजोग कदम है, पर इस तरह की मदद नूं देख के पता नहीं किन्ने लोग अपने बच्चों तो मजदूरी करन लई मजबूर हो जाण। सो अज लोड़ है सरकार नूं हर पहलू ते ध्यान देण दी। वंश दिया तीन पैणा ते एक वड्डा पराया ते किराए दे मकान दे विच रहिंदा है ते परिवार दियां मजबूरियां करके ही वंश नूं जुराबां वेचण दा काम करना पिया। सरकार नूं अजिहे लोकां दे वल ध्यान देना चाहीदा है ते उहनां नूं कुछ सहूलतां देनियां सरकार दे वल्लों बणदियां तां कि उह अपनी जिंदगी दा गुजारा आसानी दे नाल कर सकन। अपने परिवार की मदद करने जाके ट्रैफिक लाइट ते कुछ समान बेचते हो पर बेटा हुण तुहानू असीं पढ़ाउणा जरूर। मैं डिप्टी कमिश्नर नूं कहना कि तुहानू जिथे स्कूल ते तुहानू तुसीं आए हो जिथे पढ़े हो उत्थे तुहानू दुबारा पाउण उत्थे, और जिथे ताईं तुहाडे परिवार दी मदद है ओह मैं करूंगा, मैं ग्रांट देऊंगा तुहाडे परिवार नूं ताकि तुहाडे पिता जी माता जी और भैणां लड़के भाई भी जिहने भाई नूं भी मन्नत पढ़ रहे हाले। मेरा भरा पढ़ चुका वा, 9वीं तक कीती आ बस उहने। अच्छा कोई गल नहीं बेटा, तुसी हुण जाके मैं डिप्टी कमिश्नर साहब नूं कहूंगा तुहानू स्कूल वापस पाउण और थोड़े परिवार की मदद मैं करूंगा, ठीक है, ताकि तुहानू पढ़न तुहानू कोई औख ना आए परिवार नूं और तुसी अपने पढ़ाई मुकाओ ताकि तुसी भी कुछ वड्डे बन सको अगे जाके जिंदगी दे विच। चंगा, थैंक यू।